हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने स्फेरिकल कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला और उसके रिगार्डिंग पॉइंट्स को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने वाले हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। तो देखिए, द सिंपलेस्ट एंड वाइडली यूज कैपेसिटर इज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सबसे ज़्यादा काम में आने वाला कैपेसिटर है ये। दूसरा, इट कंसिस्ट ऑफ टू लार्ज प्लेन पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स। तो इसमें दो बड़ी पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स इस तरह से रखी जाती हैं। मीन्स ये दो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, एक पर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी वाली पे नेगेटिव चार्ज है। तो एक पे प्लस क्यू चार्ज है, दूसरे पे माइनस क्यू चार्ज है, और ये एक दूसरे से डी डिस्टेंस पर रखी है। और इन प्लेट्स का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कैपिटल ए है। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज हो जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया। ये फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। वो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि इस प्लेट के लिए सिग्मा है। अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसीडर करें तो गाउस लॉ वाले टॉपिक्स में हमने किया है कि इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका फॉर्मूला होगा सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। अब हमें डायरेक्शनल सेंस में समझना है कि कहाँ कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। तो एक बार हम चेक करेंगे प्लेट्स के लेफ्ट में, सेंटर में और प्लेट्स के राइट में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से दूर होती है। तो ये जो फर्स्ट प्लेट है, मान लीजिए ये फर्स्ट प्लेट है, ये सेकंड प्लेट है। तो फर्स्ट प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, तो इस पॉइंट वन पे इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इससे अवे होगी इस डायरेक्शन में। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस क्यू के कारण सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। ये जो प्लेट है, प्लेट्स के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती। तो नेगेटिव के कारण भी वैल्यू उतनी होगी सिग्मा पॉइंट टू एप्सिलॉन नॉट, बट डायरेक्शन में डिफरेंस आएगा। इस पॉइंट वन पे नेगेटिवली चार्ज इस सेकंड वाली प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसकी तरफ होगी, नेगेटिव की तरफ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ई माइनस क्यू इस तरह से आएगा सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। आप देख सकते हैं दोनों एक दूसरे के अपोजिट इक्वल हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट है वो आ जाएगी जीरो। मतलब लेफ्ट रीजन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। राइट रीजन में चेक करते हैं तो थर्ड पॉइंट पर फर्स्ट प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से अवे होती है। तो पॉजिटिव से अवे, ये पॉजिटिव प्लेट है ये वाली, इससे अवे। नेगेटिव की तरफ होती है, तो ये सेकंड प्लेट की तरफ होगी, प्लस से दूर माइनस की तरफ। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू माइनस क्यू और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू। अब आप देख सकते हैं ये भी दोनों वैल्यू में बराबर है, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। तो नेट आ गया जीरो, तो ई नेट इज जीरो। अब सेंटर में चेक करते हैं तो प्लस के कारण उससे दूर, तो ये प्लस से अवे ई प्लस क्यू। माइनस की तरफ, तो सेकंड प्लेट की तरफ, ये सेकंड प्लेट की तरफ। तो इस बार आप देख सकते हैं कि दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी प्लस से माइनस की तरफ, और उस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, सॉल्व करके आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आउटर रीजन्स में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, सिर्फ सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस पॉइंट को हमने समझा। इन आउटर रीजन लेफ्ट और राइट ऑफ द प्लेट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू चार्ज प्लेट्स इज जीरो। तो लेफ्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, राइट में भी जीरो है। इन द इनर रीजन बिटवीन टू कैपेसिटर प्लेट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड एड अप। आपने देखा यहाँ पर कि इनर रीजन में ई प्लस क्यू और माइनस क्यू ऐड हो जाते हैं क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में है, और दोनों के ऐड होने के बाद नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखें बिटवीन द प्लेट्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है प्लस से माइनस। तो अंदर आपको डायरेक्शन इस तरह से मिलेगी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है प्लस से माइनस की तरफ। अब यहाँ एक नोटिस करने वाली बात है कि इधर अंदर प्लेट्स के बीच में यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, बट कॉर्नर्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से हो जाती है। और ये जो इफेक्ट है इसको हम बोलते हैं फ्रिंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे आपको फ्रिंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलता है। बट अगर एरिया ऑफ प्लेट्स बहुत ज़्यादा है डी स्क्वायर के, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, तो ये एक फैक्ट है कि अगर ए बहुत ज़्यादा है डी स्क्वायर से तो हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑब्जर्व करते हैं, और हमारे डेरिवेशन में भी आगे हम जो फील्ड अज्यूम करके चलेंगे वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। ओके, तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देख ली, फ्रिंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को समझ लिया। अब हम लोग कैपेसिटेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। उसके लिए हमें पहले पोटेंशियल निकालना पड़ेगा बिटवीन द प्लेट। तो एक लॉजिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कि जैसे मान लीजिए आपके पास एक कंडक्टर है और इसको यूनिफॉर्मली आपने चार्ज कर रखा है,
तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, बट इसी कंडक्टर को आप किसी बैटरी से कनेक्ट कर दो जो पोटेंशियल डिफरेंस वी रखती है, तो इस बार अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी और इस बार अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी माइनस का वी अपॉन एल, जहां पे एल है लेंथ ऑफ कंडक्टर। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में रिलेशन निकाला है ई और वी का, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का, कि ई इज इक्वल टू माइनस का डी वी अपॉन डी आर, वहीं से मैं लिख रहा हूँ ई इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन एल। तो ये हमेशा माइंड में रखें कि कंडक्टर यूनिफॉर्मली चार्ज है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, और अगर कंडक्टर के दोनों पॉइंट्स पे पोटेंशियल है तो फिर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी, फिर वो होगी माइनस पोटेंशियल अपॉन लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो बिल्कुल वैसे यहाँ पर अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस लिखें बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कंडक्टर, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, तो वो होगा, रिलेशन है ई इज इक्वल्स टू माइनस का वी अपॉन एल, तो पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है तो मैं वैल्यू के फॉर्म में लिख रहा हूँ सिर्फ, तो वो होगा V इज इक्वल्स टू E इंटू एल। सिर्फ वैल्यू की बात करें तो यहाँ लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस की जगह यहाँ पे होगा डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कंडक्टर D, तो मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, तो V लिखा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड E मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस D, राइट। अब हम कैपेसिटेंस का डेफिनेशन से फॉर्मूला लिखते हैं, और E की जगह हम लिख सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन वन से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो वी इज इक्वल टू आ गया सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब अगर कैपेसिटेंस को लिखें हम उसकी डेफिनेशन से, तो वो होगा कैपेसिटेंस सी इज चार्ज अपॉन पोटेंशियल, तो चार्ज इज क्यू, पोटेंशियल इज वी, तो सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। वी की वैल्यू यहाँ से रख देते हैं इक्वेशन सेकेंड से, तो सी इज इक्वल टू आ गया क्यू अपॉन वी की जगह सिग्मा डी एप्सिलॉन ऊपर चल जाएगा, तो क्यू एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा डी, राइट। अब एक और बात है, हमने स्टार्टिंग में डिफाइन किया था सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा को, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होती है चार्ज अपॉन एरिया, तो यहाँ से चार्ज आया सिग्मा इंटू ए, राइट। तो वो चीज़ अगर हम यहाँ पुट करें तो हमारा सी आ जाएगा सिग्मा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा डी, तो सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया लास्ट में ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। और इस फॉर्मूले में भी आप नोटिस कर सकते हैं कि जो डिपेंडेंसी फैक्टर है कैपेसिटेंस का वो है एरिया ऑफ प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स एंड सराउंडिंग मीडियम। ये इस बात पर डिपेंड नहीं कर रहा है कि नेचर ऑफ प्लेट्स क्या है, ये इस बात पर भी डिपेंड नहीं कर रहा कि मटेरियल ऑफ प्लेट क्या है। ये हमने सबसे पहला लेक्चर जो लिया था कैपेसिटेंस का उसमें ये सारी बातें डिस्कस की थी। तो ये फॉर्मूला रहता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड करता है डाइमेंशंस ऑफ प्लेट्स पे, जैसे एरिया पे, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स पर, और मीडियम पर। अगर आप मीडियम चेंज करते हैं तो फिर आपका कैपेसिटेंस चेंज होता है, क्योंकि मीडियम चेंज करने पे के चेंज हो जाता है, ये एप्सिलॉन नॉट चेंज हो जाता है, इस कारण चेंजेस हमको देखने को मिलता है। तो अगर कंक्लूजन को लिखें, दस द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड ऑन द फॉलोइंग, फर्स्ट एरिया ऑफ द प्लेट्स, और आप देख सकते हैं कि कैपेसिटेंस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, जितनी बड़ी एरिया की प्लेट्स होंगी उतना कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स के इनवर्सली प्रोपोर्शन है, जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा प्लेट्स के बीच में उतना कैपेसिटेंस कम होगा। और परमिटिविटी ऑफ मीडियम, आप देख सकते हैं कि सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ एप्सिलॉन नॉट इसलिए है क्योंकि हमने कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में एयर को लिया है, तो एयर की परमिटिविटी है। अगर आप किसी मीडियम को लिखते हैं तो वहाँ पर एप्सिलॉन एम आएगा, मतलब सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एप्सिलॉन के, जहाँ एप्सिलॉन है परमिटिविटी ऑफ मीडियम विच इज़ प्रेजेंट इन बिटवीन द प्लेट्स, यहाँ पे एयर है इसलिए हमने एप्सिलॉन नॉट लिखा है, राइट। तो ये हमने डिस्कस किया कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आने वाले वीडियोस में हम लोग कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में एक दूसरे मीडियम को प्लेस होने पर जो इफेक्ट्स होते हैं उनको हम स्टडी करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशंस। थैंक यू।